नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आपका आयुरस हीलिंग हब में। अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना है और त्योहारों का नाम सुनते ही सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है मिठाई। जैसे ही फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है मेरे पास पेशेंट की क्वेरीज बढ़ जाती हैं, स्पेशली स्किन डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स या ल्यूकोडर्मा के पेशेंट जिन्हें खाने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन सी मिठाई खानी है और कितनी मात्रा में खानी है। तो आज के इस एपिसोड में मैं कोशिश करूंगी कि मिठाई खाने से रिलेटेड आपकी छोटी से छोटी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकूं। आइए शुरू करते हैं। हमारे देश में मिठाइयों की बहुत वैरायटी है। तरह तरह की मिठाइयाँ त्योहारों पे बनाई जाती हैं, मेहमान घर लेकर आते हैं और इन मिठाइयों को बनाने का तरीका भी बहुत अलग है, इसलिए ऐसी क्वेरीज बढ़ जाती हैं क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कुछ मिठाइयों को बनाने के लिए भी खट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ जो आप आराम से खा सकते हैं और बहुत सी ऐसी मिठाइयाँ जो कभी कभी खानी चाहिए। तो आज मैंने मिठाइयों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी वो जिन मिठाइयों का सफेद दाग में या स्किन डिसऑर्डर्स में कोई नुकसान नहीं है, आप उनकी मात्रा जितनी चाहें उतनी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा खाने में तो कोई भी मिठाई अच्छी नहीं होती है क्योंकि मीठे का सेवन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी सफेद दाग के रोगी ये पहली श्रेणी की मिठाइयों को मनचाही क्वांटिटी में खा सकते हैं। दूसरी श्रेणी या दूसरी कैटेगरी वो है जो मिठाइयाँ कभी कभार या थोड़ी मात्रा में खाई जा सकती हैं। और तीसरी मैं वो बात करूंगी जिन मिठाइयों को कोशिश करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पहली कैटेगरी में वो मिठाइयाँ हैं जिनमें किसी तरह के कोई खट्टे या कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो सफेद दाग में मना है, यहाँ तक कि मैदे का इस्तेमाल भी इन मिठाइयों में प्राय तौर से नहीं किया जाता है, तो ये मिठाइयाँ बिल्कुल सेफ हैं। इन मिठाइयों में सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी बेसन की मिठाइयों का, जैसे कि बेसन की बर्फी, बेसन के लड्डू, मोतीचूर लड्डू, बूंदी के लड्डू। ये सभी लड्डू या जो इन मिठाइयों का मैंने नाम लिया, इनमें बेसन का इस्तेमाल होता है जो कि सफेद दाग के लिए वैसे ही बहुत फायदेमंद है। जिस दिन आपको लगता है कि त्योहार के दिन है और आप बेसन का एक लड्डू खा रहे हैं, उस दिन अगर आप अपना चना खाना छोड़ भी देते हैं तो कोई हर्जा नहीं है क्योंकि आपको चने की मात्रा जो बेसन के थ्रू मिलनी चाहिए थी वो आपको बेसन के लड्डू से भी मिल सकती है। तो एक आध बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप बेसन की कोई मिठाई खा रहे हैं तो उस दिन आप चना ना खाएं। इसके अलावा और जो मिठाइयाँ आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं वो है काजू की बर्फी। काजू की बर्फी में हालांकि थोड़ी मात्रा में मैदा भी डलता है, पर काजू जो है वो भी कॉपर का बहुत अच्छा सोर्स है और इस तरह से इस मिठाई को लेने से भी आपको फायदा हो सकता है, आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो मिठाइयाँ हैं जैसे कि कलाकंद है, कलाकंद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें भी मैदा बिल्कुल नहीं होता। इसके अलावा मैं बताऊंगी तो खोया बर्फी एक ऐसी बर्फी है, उसमें भी बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं होता है, उसका इस्तेमाल भी आप बेहद कर सकते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करना चाहते हैं और घर पे ही मिठाई बनाना चाहते हैं तो घर पे बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं, जैसे गाजर का हलवा है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग दाल का हलवा है या सूजी का हलवा है, आटे का हलवा है, ये आप बराबर यूज कर सकते हैं। बेसन के लड्डू भी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप घर पे इस्तेमाल करते हैं मिठाई, घर पे बनाते हैं तो वो तो बहुत ही आसान है, लेकिन जिन मिठाइयों का मैंने अभी नाम लिया है ये अगर आप त्योहार के सीजन में बाजार से भी लाते हैं और इनका इस्तेमाल लेते हैं तो आपके सफेद दाग पर इनका कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा सोन पापड़ी जो कि आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है त्योहारों पर और ये काफी लंबे समय तक चल भी जाती है, इसमें भी बेसन का इस्तेमाल होता है तो इसे भी आप जितना चाहें खा सकते हैं। इसके अलावा पेठे का इस्तेमाल किया जा सकता है, पेठा भी जो है सीताफल से बनता है, इसका भी कोई नुकसान नहीं है, इसका भी आप भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो दूसरी कैटेगरी की जो मिठाई आप कभी कभी और थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। इस कैटेगरी में वो मिठाइयाँ हैं जिसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट डाला है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, यानी कि सफेद दाग के रोगी को जो कभी कभी खाना अलाउड है, जैसे कि
मैदा डलता है इन मिठाइयों में, तो मैदे जिन जिन मिठाइयों में डलता है स्पेशली उनको हमेशा या रोज रोज या ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ये मिठाइयाँ हैं रसगुल्ले, गुलाब जामुन, डोडा बर्फी, रसमलाई और पिन्नी। पिन्नी में मैदे का इस्तेमाल तो नहीं होता मगर उड़द दाल का इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कभी कभी कर सकते हैं। काफी लोग मेरे से ये क्वेरी भी करते हैं कि जब रसगुल्ला बनाया जाता है तो उसमें नींबू डाला जाता है, तो क्या नींबू का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जिसमें खट्टे का इस्तेमाल तो जरूर किया जाता है पर उसका कारण दूध को पनीर बनाना होता है, यानी कि दूध को कर्डल करना होता है। जब हम इस तरह की मिठाई का इस्तेमाल करते हैं तो खट्टा, दूध में खट्टा डालकर, चाहे वो नींबू हो या सिरका हो, दूध को पनीर बनाया जाता है और फिर पनीर को पूरी तरह से वॉश कर लिया जाता है, जैसे कि हम पनीर बनाने के लिए भी करते हैं। तो जब वॉश कर लेते हैं तो खट्टा पूरी तरह से निकल जाता है, तो ये मिठाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसलिए अगर रसगुल्ले में या किसी ऐसी मिठाई में आपको लगता है कि जैसे कि डोडा बर्फी में भी थोड़ा नींबू डलता है बट वो पनीर बनाने के लिए डलता है, तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। इन मिठाइयों का इस्तेमाल आप कभी कभी आराम से कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जो बहुत नुकसानदायक है वो है जिसमें नींबू का इस्तेमाल सीधे तौर पर किया जाता है। उसमें नींबू का इस्तेमाल पनीर बनाने के लिए नहीं बल्कि फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है। इस मिठाई को आपको बहुत कम या कभी भी नहीं लेना चाहिए। इस मिठाई में सबसे पहला नाम आता है जलेबी का, इमरती का, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मिल्क केक जिसे हम बोलते हैं और बालूशाही, तो इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो देखने के बाद आप त्योहारों को भरपूर मजा करेंगे, अपनी पसंद की जो आपको नुकसान ना करे वो मिठाई भी खाएंगे। अगर मैं किसी मिठाई का नाम लेना भूल गई हूँ या कोई मिठाई मुझसे रह गई है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में मुझसे जरूर पूछें, मैं जरूर बताऊंगी क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।